हेलो फ्रेंड्स, मैं मंदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बैकनेक डिज़ाइन मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखिए, यहाँ पर अस्तर के कपड़े को हमने अपनी तरफ फोल्ड करके रखना है इस तरीके से, और एक लाइन ड्रॉ करके नीचे से कपड़े को सीधा कर लेना है। और आज जो मैं डिज़ाइन आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये 40 साइज़ का करूँगी मैं, 40 साइज चेस्ट साइज़ का है। 40 चेस्ट में डीप नेक के अकॉर्डिंग हमें शोल्डर और आर्म होल्स आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यही लेना है। जितनी भी लेंथ आपको तैयार रखनी है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके आप लीजिएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर 13.5 इंच रखूँगी तैयार, उसमें मैंने 1 इंच मार्जिन का प्लस करके 14.5 इंच पर एक मार्किंग कर ली है। टोटल लेंथ 14.5 इंच ली है, और यहाँ पर डीप नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर रखने हैं 5.5 इंच, 5.5 इंच रखने हैं, और आर्म होल्स लेने हैं आपको यहाँ पर 5.75 इंच, यानी 5.25 इंच यहाँ पर आर्म होल्स हम लेंगे। अगर आपको आर्म होल्स 5.25 इंच कम लगते हैं तो आप 6 इंच तक भी ले सकते हैं, पर इससे ज़्यादा नहीं लेना है क्योंकि फिर आर्म होल में झोल आ जाता है अगर हम डीप नेक में आर्म होल्स ज़्यादा लेते हैं। तो चेस्ट का 4th पार्ट ले लेंगे हम 10 इंच, और 1.5 इंच मैंने रखा है एक्स्ट्रा मार्जिन का। 1/2 इंच देखिए हम डीप नेक में इस तरीके से करते हैं, तिरछी लाइन ड्रॉ करते हैं बाहर की तरफ। 1.25 इंच पर आप इस तरीके से आर्म होल की गोलाई कर दें, हल्के हल्के हाथों से आर्म होल की गोलाई कर दें। और कमर है 32 इंच, उसका 4th पार्ट होगा 8 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का, और 1 इंच एक्स्ट्रा हम ओढ़ लेते हैं जो हम बैक पार्ट में प्लेट्स लगाते हैं उसके लिए। ये देखिए मार्किंग हमने इस तरीके से यहाँ पर कंप्लीट कर ली है, और अब हम इसे कट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें कट कर लेना है इसे। नीचे से भी हम इसे कट करके सीधा कर लेंगे, और अब हम इसे मेन फैब्रिक पर रखकर कट कर लेंगे। अच्छे से फिनिशिंग से हमने ये पार्ट कट कर लिया है, और मेन फैब्रिक पर भी देखिए मैंने यहाँ पर इसे कट कर लिया है। गले का हम यहाँ पर मेजरमेंट लेंगे, 2.5 इंच मैंने यहाँ पर मार्किंग की है, और लेंथ में 10 इंच लिया है। यहाँ से 3.5 इंच पर विड्थ में मार्क करें। लेंथ आप अपने हिसाब से और बढ़ा भी सकते हैं, अगर आप 10.5 या 11 इंच लेना चाहें, डीप जितना रखना चाहें आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और यहाँ पर हमें पॉट शेप ड्रॉ कर लेना है, और सेम इसी तरीके से हम इस नेक को पेपर पेस्टिंग के साथ बनाएंगे। यहाँ पर मैंने पेपर पेस्टिंग लिया है, आप चाहें तो बुकरम भी ले सकते हैं। ऊपर से गले की विड्थ मार्क करेंगे 2.5 इंच, लेंथ लेंगे 10 इंच, और यहाँ से 3.5 इंच इस तरीके से मार्क करेंगे, और एक बॉक्स बना लेंगे। देखिए इस तरीके से हमने बॉक्स बना लिया है, और यहाँ पर हम पॉट शेप अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे, और यहाँ पर हम फ्रिल नेक बनाएंगे तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा इस डिज़ाइन, इस फैब्रिक पर। तो देखिए यहाँ पर ये जो फैब्रिक मैंने लिया है, ये साड़ी का ही ब्लाउज़ पीस है, तो इसके ऊपर हम ये वाला डिज़ाइन बनाएंगे। तो यहाँ पर फ्रिल मैंने सेम कलर में ही लिया है, बट अगर आपके पास इतना फैब्रिक नहीं होता है तो फ्रिल आप कॉन्ट्रास्ट फैब्रिक में भी ले सकते हैं, जैसे कि आपकी साड़ी में या ब्लाउज़ पीस में जो भी अलग से कलर दिया हुआ होता है, या गोल्डन कलर भी आप ले सकते हैं अगर आपके पास कपड़ा कम होता है तो। और अगर फैब्रिक ज़्यादा है तो अगर आप सेम कलर का भी लेंगे तो फ्रिल में अच्छा लगेगा। अब देखिए आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है, उसके ऊपर इस तरीके से रखकर आपको गले की चौड़ाई का मार्क कर लेना है। गले की जो चौड़ाई है, विड्थ जो है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो आप एक्स्ट्रा फैब्रिक पर रखकर इसे इस तरीके से नाप लें, और यहाँ पर आप पिन लगा कर इसे अटैच कर लें, चाहें तो आप इसे प्रेस से चिपका भी सकते हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारा जो मेन फैब्रिक है उसे आपको इस तरीके से अटैच कर लेना है। नीचे थोड़ा सा इसमें देखिए शाइनिंग का बॉर्डर दिया हुआ है, तो वहाँ से हम अगर कोई भी नीचे कमर की तरफ बॉर्डर दिया होता है तो आप पहले नीचे से सिलाई लगाएं, ताकि बॉर्डर हमारा एक जैसा आए, ऊपर नीचे ना हो। अब आप हाथ से फिनिशिंग करते जाएँ ताकि अंदर की तरफ कोई भी सल या क्रीज ना आए, और चारों तरफ से सिलाई लगा कर इसे पैक कर दें। अगर आप इसमें पेस्टिंग का यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो सिंपल आप नेक को कट करके उस पर सिलाई लगाकर इसे पलट भी सकते हैं, अगर आपके पास पेस्टिंग या बुकरम नहीं होता है तो उसके बिना भी आप नेक बना सकते हैं। जैसे हम नेक के ऊपर सिलाई लगाते हैं फिर उससे पलट देते हैं कट लगाकर, तो उस तरीके से भी आप इसे बना सकते हैं। पर पेपर पेस्टिंग या बुकरम यूज़ करने से नेक में एक अलग ही तरीके की फिनिशिंग आती है, तो आप लोग भी ज़रूर यूज़ किया करें। और यहाँ पर हम इसे डबल फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से, अच्छे से आपको इसे फोल्ड कर लेना है, और ऊपर और नीचे छोटा छोटा कट लगा लेना है, और यहाँ पर इस तरीके से हम सेंटर मार्क कर लेंगे। चॉक से मैंने सेंटर मार्किंग कर ली है। इसके बाद हम यहाँ पर
हमारा जो नेक है उसे अटैच करेंगे सिलाई लगाकर। तो एक कॉर्नर की सिलाई लगा देनी है पेपर पेस्टिंग के ऊपर, तो ये कपड़े के साथ अटैच हो जाएगा। ये देखिए सिलाई लगाने के बाद इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम कट कर देंगे। यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा जितना भी है सिर्फ हमें जितना फोल्ड रखना है उतना ही कपड़ा आप यहाँ पर लें और इस तरीके से कट लगा लें ताकि ईजीली यहाँ पर पलट जाए। अब आपको इसे साइड से फोल्ड कर लेना है इस तरीके से। नेक को हमने इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और अब हम कर लेंगे इसका सेंटर मार्क। तो डबल फोल्ड कर लीजिए और यहाँ पर इस तरीके से नाखून से क्रिस्प बना लें और ऊपर की तरफ एक छोटा सा कट लगा लें इस तरीके से। अब चौक ये जो क्रिस्प बनी है इस पर सेंटर मार्क कर लें और ये जो नेक है हमारा कपड़े पे इस पर भी हमारा जो सेंटर मार्क है और नेक का सेंटर मार्क यहाँ पर मिलाते हुए एक सीधी रफ स्टिच आपको लगा लेनी है। इसके बाद आपको पेस्टिंग से चिपकाते हुए बिल्कुल एक कॉर्नर की सिलाई लगानी है। अब ये जो सिलाई हम लगा रहे हैं उस पर आप ध्यान दीजिएगा, ये वाली सिलाई आपके पेपर पेस्टिंग के ऊपर ना आए, बिल्कुल चिपकाते हुए सिलाई लगानी है। अगर पेस्टिंग के ऊपर आएगी तो फिनिशिंग नहीं दिखेगी। और यहाँ पर इस तरीके से हम इसे कट कर लेंगे। यहाँ पर आपको एक पैर का मार्जिन रखते हुए बाकी बीच का जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेना है और पूरे ही नेक पे आप छोटे छोटे से कट लगा दें ताकि अच्छी तरीके से फोल्ड हो जाए। पूरे नेक पे आपको इस तरीके से कट लगाने होते हैं। ये देखिए कट मैंने लगा लिए हैं और अब ये बहुत ही आसानी से देखिए अंदर की तरफ नेक हमारा फोल्ड हो जाएगा और बहुत ही फिनिशिंग के साथ दिखेगा। तो अच्छे से आप इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लें और ऊपर से एक फिनिशिंग की सिलाई लगा दें। तो यहाँ पर मैं एक पैर का मार्जिन रखते हुए ऊपर से फिनिशिंग की एक सिलाई लगा लूँगी इस तरीके से। इस तरीके से हमें सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर फिनिशिंग की सिलाई लगा ली है और इसके बाद हम इसे डबल फोल्ड करेंगे अच्छे से और सेंटर में एक छोटा सा कट लगाएंगे। उसके बाद देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पर प्लेट्स डाल लेनी है दोनों ही तरफ। सभी साइज़ में आप इसी तरीके से प्लेट्स डाल सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने प्लेट्स डाल ली है और अब नीचे की तरफ कमर पट्टी लगानी है। कमर पट्टी मैं 1.5 इंच लेती हूँ चौड़ाई में, 1.5 इंच, और इजीली ये यहाँ पर फोल्ड हो जाती है। आप चाहें तो इसे एक तरफ से फोल्ड भी कर सकते हैं अटैच करने से पहले, तो बहुत ही आसान होता है इसे लगाना। इस तरीके से फोल्ड कर लें आप, और आप चाहें तो यहाँ पर एक रफ स्टिच लगाने के बाद तुरपाई भी कर सकते हैं। ये देखिए अंदर की तरफ अच्छे से फोल्ड करते जाएँ और सिलाई लगाते जाएँ। तो बिल्कुल ये कंप्लीट हो गया है, बस अब हम इस पर डिज़ाइन बनानी है फ्रिल की। तो यहाँ पर मैंने 3.5 इंच चौड़ाई में कपड़ा लिया है ये, और काफ़ी लंबी पट्टी मैंने यहाँ पर तैयार कर ली है। कम से कम ये पट्टी आप 2 मीटर लें और 3.5 इंच 3.5 इंच विड्थ में है। इसे मैंने देखिए इस तरीके से फोल्ड कर लूँगी। तो मेरे पास भी कपड़ा टुकड़ों में ही था, उसे मैंने ज्वाइंट कर लिया है, पर ये ज्वाइंट आपका पास पास में नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये फ्रिल अच्छी नहीं दिखेगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने 3 जॉइंट लगाए हैं इसमें, और अब हम मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है और अब हम इसे पलट लेंगे। अगर आपके पास मेन फैब्रिक नहीं होता है तो आप कॉन्ट्रास्ट में भी ले सकते हैं फ्रिल के लिए कपड़ा। और अब हम इसे पलट लेंगे सुई धागे में धागा डालकर इस तरीके से। ये देखिए पट्टी हमारी बाहर की तरफ आ जाएगी और ये फ्रिल पट्टी हमारी सीधी हो जाएगी। तो इसे आपको पूरा सीधा कर लेना है इस तरीके से, और अभी इसमें आपको फिनिशिंग करनी है। अगर आप ऐसे ही फ्रिल बनाएंगे तो ये अच्छी नहीं बनेगी। देखिए मैंने इस पर प्रेस कर लिया है और इसका जो जॉइंट है वो मैंने सेंटर में कर दिया है। अब हमें यहाँ पर फ्रिल डालनी है, तो इस तरीके से आधा आधा इंच की आप फ्रिल ले लें, ज़्यादा बड़ी फ्रिल भी नहीं लेनी है आपको। देखिए इस तरीके से हाफ हाफ इंच की पूरी ही पट्टी पर आपको फ्रिल लगा लेनी है। और यहाँ पर फ्रिल बनाने के लिए आपको पट्टी लंबी ही लेनी है, क्योंकि फ्रिल बनाने के बाद ये काफ़ी छोटी हो जाती है। तो कम से कम आप 2 से 2.5 मीटर की पट्टी लें। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से फ्रिल बनानी है हमें। अब हमें पूरी ही पट्टी पे फ्रिल बनाकर इस तरीके से कंप्लीट कर लेना है। देखिए मैंने पट्टी यहाँ पर फ्रिल बना ली है और इसके सेंटर में मैं लगा रही हूँ यहाँ पर लेस। तो इस तरीके से फिनिशिंग से बिल्कुल सेंटर में हमें ये लेस लगा लेनी है। अगर आप यहाँ पर डोरी लगाना चाहें तो डोरी भी लगा सकते हैं रेडीमेड वाली, उससे भी इसका लुक अच्छा आएगा। मैंने यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट कलर में लेस यूज़ की है।
तो देखिए मैंने यहाँ पर पूरी फ्रंट पे ये लेस लगाकर कंप्लीट कर लिया है इसे, और अब हम इस यहाँ पर फ्रिल को नेक के ऊपर लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से बिल्कुल नेक के पास से हमें ये फ्रिल लगानी है। ये फ्रिल हमारी बाहर की तरफ नहीं दिखनी चाहिए, नेक के अंदर की तरफ ही आनी चाहिए इस तरीके से। तो अच्छे से फिनिशिंग के साथ आप लेस को अटैच कर लें। इस तरीके से फ्रिल को अटैच कर लेना है हमें नेक के ऊपर। तो बहुत ही आसानी से ये फ्रिल हमारी इस तरीके से अटैच हो जाएगी। और फ्रिल के लिए जो मैंने पट्टी कट की थी वो रेप में नहीं थी, सीधी ही पट्टी कट करनी है आपको। एक्स्ट्रा फ्रिल को कट कर लें। और ये देखिए हमारा जो नेक है वो बन गया है यहाँ पर। इसके बाद नीचे भी मैं यहाँ पर लेस लगा रही हूँ। तो इस तरीके से हम कमर की तरफ भी लेस लगा लेंगे। और ये जो नेक है हमने थोड़ा ब्रॉड बनाया है, तो इसमें हमें डोरी भी लगानी होगी। और इस नेक में डोरी लगाने से लुक अच्छा आता है, तो आप लोग भी जब भी बनाएं इसमें डोरी ज़रूर लगाएं। तो मैंने यहाँ पर रेड कलर के कॉम्बिनेशन में ही डोरी लिया है। ऊपर से आप 1.5 या 2 इंच की गैप छोड़ते हुए डोरी को अटैच कर लें इस तरीके से। और दूसरी तरफ भी नाप लें इस तरीके से। मेज़र करने के बाद डोरी को अच्छे से पक्का करके अटैच करें। इसके बाद इसी डोरी में मैं इसी सेम कलर की फैब्रिक लटकन बनाकर लगाऊंगी। तो ये देखिए स्क्वायर में हमें कपड़ा ले लेना है 3 इंच लंबाई और 3 इंच चौड़ाई में, और इस तरीके से लटकन आप बना लें। और चाहे तो रेडीमेड लटकन भी आप लगा सकते हैं। दोनों तरफ मैंने इसी तरीके से लटकन लगा लूँगी मैं। और ये डिज़ाइन हमारा बन के कम्प्लीट हो गया है। तो चलिए मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए। तो फ्रेंड्स आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।